मौत के मुंह से वापस आए 21 मासूम आदिवासी बच्चे। खेल खेल में मौत निकल रहे थे मासूम बच्चे। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर नरसिंहपुर से, जहाँ नरसिंहपुर के 21 आदिवासी मासूम बच्चों ने फल समझकर रतन जोत के बीच खा लिए थे, जिसके बाद उन्हें चक्कर आना और उल्टियाँ होने शुरू हो गई थी। वहीं स्वास्थ्य बिगड़ते ही उन्हें जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया था, जहाँ अब उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। दरअसल पूरा मामला नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना अंतर्गत ग्राम मुंगवानी टोला का है, जहाँ हाई स्कूल के पीछे लगे रतन जोत के पेड़ों से गिरे रतन जोत के बीच मासूम आदिवासी बच्चों ने फल समझकर खा लिए थे। उक्त जहरीले पेड़ वृक्षारोपण के दौरान स्कूल के पीछे लगाए गए थे। बच्चों को जिला अस्पताल लाते ही मौके पर इलाज शुरू किया गया था, जिसके बाद बच्चों की हालत में सुधार की स्थिति बन गई थी। मौके पर जिला कलेक्टर वेद प्रकाश, पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव सहित जिला अमले के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर बच्चों के परिजनों से मुलाकात भी की। इस पूरे मामले को लेकर बच्चों के परिजनों से बात की गई तो परिजन ने बताया कि यह घटना लगभग शाम के 5 बजे की है। वहां बच्चों ने रतन जोत के बीच खा लिए थे, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। अब उनकी हालत में सुधार है। उक्त मामले को लेकर अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी स्वस्थ हैं, हम परिजनों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन यह जांच का विषय है कि वह जहरीले पौधे किसी स्कूल कैंपस में कैसे लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अजय। कहाँ से आए हैं? मुंगवानी टोला से। क्या हुआ, बच्चों की तबीयत खराब हो गई अचानक से? चंद्र जोत के फर खाने में। अच्छा, तो कितने बच्चों ने खाए हैं और कितने बच्चे बीमार हैं? लगभग मैं तो एम्बुलेंस में लेके आया था 8-9 बच्चों, बाद में और पता चला तो पुलिस वाले लेके आया। तो कब जानकारी लगी आपको, कैसे क्या? मैं तो खेत में था, 5 बजे मुझे जानकारी, फिर मैं फोन लगाया तो लेके आया। तो कैसी हालत है बच्चों की अभी? बच्चों की हालत अभी थोड़ी ठीक है। और फिर क्या, कहाँ उपचार के लिए आए हैं आप लोग? उपचार के लिए कहाँ पे आए हैं? जिला अस्पताल। सर, आज कुछ बच्चों को हॉस्पिटल लेके आया गया है, क्या मामला है? ये देखिए, मुंगवानी टोला एक गांव है थाना मुंगवानी के अंतर्गत, तो वहाँ सूचना मिली थी कि शाम को एक जाति परिवार में कोई सगाई समारोह चाहिए थे, कोई कार्यक्रम था उनके यहाँ, तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो वहाँ उन्होंने ये जैसा बताया कि जेट ऑफ रतन जोत के कुछ बीज होते हैं, तो उनके बच्चों ने एक एक दो दो ऐसे बीज खा लिए। तो ऐसे 21 पहले पता चला था कि 5 बच्चे हैं, फिर इसके बाद 7 पता चला। फिर हम लोगों ने ये तय किया जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने खाए हैं, भले ही उनको उल्टी हो रही है या नहीं भी हो रही है, सभी बच्चों को, जो कुल 21 बच्चे हुए, इनको सरकारी वाहन से, अंडर डाल से और दीगर एम्बुलेंस से यहाँ ले आए हैं और सभी को भर्ती कर लिया गया है। सर, संख्या लगातार बढ़ रही है और ही बच्चे हो सकते हैं? बढ़ नहीं रही है। देखिए, कुल जितने बच्चे थे, और ये शुरू में वो मुंगवानी में भी PHC है, शुरू में वहाँ भी थे, लेकिन क्योंकि एक ही परिवार का कोई बच्चा यहाँ आ गया, कोई बच्चा मुंगवानी में रह गया, तो भले ही वो कोई गंभीर नहीं है, लेकिन एक परिवार के बच्चे अगर एक जगह आ जाएं, माँ बाप को भी चिंता रहती है। हम लोग तो यहाँ खड़े ही हैं, शिक्षा विभाग के भी अधिकारी आ गए हैं, एडिशनल SP साहब भी हैं, SDOP साहब हैं, CO जिला पंचायत हैं, SDM हैं, तहसीलदार हैं, स्थानीय थानेदार हैं, तो हम, लेकिन परिवार की भी तो व्यवस्था देखना पड़ता है। सर, वो वृक्ष हैं, वो वृक्षारोपण में लगाए गए हैं कि पहले से वहाँ थे? देखिए, ये जांच का विषय है, हालांकि मैंने अभी कहा है कि अगर किसी स्कूल कैंपस में या कहीं इस टाइप की अगर कोई वृक्ष है, तो उनको जो भी जहरीली टाइप के पेड़ अगर हैं, तो उनको हटा दें। सर, जानकारी तो यही आई थी कि वृक्षारोपण के दौरान ही उनको लगाया गया था। देखिए, मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ बता सकूँ कि वृक्षारोपण में लगाए हैं या वो स्वयं हुआ है। सर, आज कुछ बच्चों को अचानक हॉस्पिटल लेके आ गया, कुछ सेवन कर लिया उन्होंने? देखिए, थाना क्षेत्र मुंगवानी में, मुंगवानी टोला पड़ता है, वहाँ ऐसी सूचना FRB पे आई थी कि कुछ बच्चों ने कुछ जहरीला सा कुछ चीज़ खा ली है। बाद में पता चला कि ये जेट्रोफा का बीज होते हैं, बच्चे खेल रहे थे, वहाँ कोई इनके यहाँ फंक्शन था सगाई वगैरह का, तो ये 21 बच्चे हो गए हैं, तो उन्होंने वो जेट्रोफा के बीज खा लिए थे, जिससे उनको उल्टी होने लगी थी। तत्काल FRB एवं उपलब्ध एम्बुलेंस जो वहाँ पर थी, उससे उनको जिला अस्पताल लाया गया, यहाँ सभी बच्चों को एडमिट करा दिया गया और सभी बच्चों की स्थिति अभी डॉक्टरों के अनुसार खतरे से बाहर है। सर, कैसे, कितने बच्चे थे? ये 21 बच्चे हैं और सभी बच्चों की उम्र 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच में है। सर, यहीं सर उपचार यहीं हो जाएगा, कोई जबलपुर रेफर के लिए भी नहीं? सभी बच्चों को यहीं पर उपचार मिल जाएगा, किसी बच्चे की ऐसी अभी तक कोई गंभीर स्थिति नहीं बताई।
इसकी हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।